हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी आईब्रो को नेचुरल लुक दे सकते हैं घर पर, अगर आपकी आईब्रो मेक ना हुई भी हो। बहुत ही आसान टिप्स है, बहुत ही आसान ट्यूटोरियल है। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं फिट मी का कंसीलर लूँगी अपनी आई बेस को मेक करने के लिए। उसके बाद मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से टैप कर लिया है। टैप करने के बाद मैं कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी, उसको मैंने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। ये देखिए बेस भी फिक्स हो गई। उसके बाद कोई भी आप ब्राउन कलर की या ब्लैक कलर की पेंसिल ले लें। मैंने आईब्रो की पेंसिल ली है, पोमेट भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको नोज़ के अपने सेंटर पे एक डॉट मेक करना है। डॉट मेक करने के बाद आपको अपनी उसको आईब्रो के साथ ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए जिस तरह से मैं ज्वाइन कर रही हूँ, हालाँकि मेरी आईब्रो इतनी कोई ख़ास मेक नहीं हुई भी, इस तरह से ज्वाइन करना है नीचे की साइड से। डाउन लेवल से पहले आप इसको ज्वाइन करेंगे, उसके बाद यही डॉट आपको सेम नोज़ के ऊपर सेंटर में यहाँ पर डालना है। उसके बाद इसको अपनी आईब्रो के साथ ज्वाइन कर लीजिए, ऊपर वाले आईब्रो शेप के साथ। ये देखें इस तरह से शेप को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये ज्वाइन करने के बाद अब आपको ऊपर से इसको अपनी आईब्रो के जो आउटर जो लाइन है उसको आपको इसके साथ ब्लेंड करना है हल्के हाथ से। अब ये ब्लेंड होने के बाद इसी आईब्रो को छोटा सा आप आई शेडो जैसे ब्लेंडिंग ब्रश होता है इस तरह से उसे पेंसिल के अंदर मेक करके इसको ब्लेंड करके थोड़ा सा लगा के अब इसका आपको लाइट हैंड से यहाँ पर से ऐसे ब्लेंड करेंगे। ये देखें ये बिल्कुल नेचुरल लुक देगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल लगाई हुई है। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में इसी तरह से अपनी आईब्रो मेक करती हूँ, लेकिन ये वीडियो में नज़र नहीं आता, मैंने ट्यूटोरियल नहीं बनाया, लेकिन आज मैं बिल्कुल प्रॉपर ट्यूटोरियल बना रही हूँ। अब उसके बाद इस तरह से इसको ये देखें इस तरह से दोनों बराबर हो जाएंगी। अब आपको कंफर्म पता लग जाएगा। अब वही आपको ब्रश लेना है, उसके अंदर और डार्क शेड आपको अप्लाई नहीं करना है पेंसिल से, उसी को आपने सेंटर से ब्लेंड कर देना है। ये देखिए दोनों आईब्रो जो है बिल्कुल बराबर प्रॉपर तरीके से ब्लेंड हो गई। अगर आप लाइट ब्राउन शेड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो नेचुरल लुक देता है। मैं ज़्यादातर अपनी आईब्रोज का लाइट ब्राउन शेड अप्लाई करती हूँ अपनी वीडियोज़ में, मुझे ये पेंसिल बहुत सूट करती है। और पोमेड अगर आपके पास हो ज़्यादा अच्छा। उसके बाद ही आपको पुराना कोई मस्कारा का स्प्रेयर जो ब्रश हो वो आपको ले लेना है, उससे आप इसको ब्लेंड करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोई भी नॉर्मल कंसीलर हो या लाइट कवरेज फाउंडेशन हो उसको आपको ये ब्रश की हेल्प से इसको प्रॉपर क्रीज कर लेनी है थोड़ी सी, ताकि ये नीट हो जाए। वैसे हमने ऑलरेडी जो है अपनी आईब्रो की आई की बेस जो है वो मेक करी हुई है। ये देखें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बहुत हल्का लगाना, क्योंकि हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। ये देखें नीचे से करने के बाद अब इसी को थोड़ा सा आप या कंसीलर हो या आपका लाइट फाउंडेशन कवरेज ब्रश हो उसको लेके आपने ऊपर से करना है। ऊपर से भी आपको इसी तरह से आपको ब्रश के साथ ये देखें इस तरह से आपको अपनी आईब्रो के ऊपर क्रीज दे देनी है। ये हो गई आपकी। अब उसके बाद थोड़ा सा उसी ब्रश से आपको इसको ब्लेंड कर देना, थोड़ा सा हल्का हल्का टैप करके, ताकि ये अलग से लाइन जो है वो नज़र ना आए। अब इसको कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के आप इसको, ताकि जो चिकनापन जो होता है जैसे वो सारा ख़त्म हो जाए और ये स्मूथ हो जाए। अब उसके बाद वही कंसीलर आपको थोड़ा सा ब्रश लेके आपको बिल्कुल नोज़ के सेंटर में रखना है और ऊपर की तरफ ले जाना है। याद है सबसे पहले आपको इसको अपर लेवल की तरफ ले जाना है, ऊपर की तरफ। ये देखिए ऊपर की तरफ के अंदर अब उसी को ब्रश को नीचे की तरफ लेके आना है अपने नोज़ के बिल्कुल सेंटर में। ये देखें ये नोज़ के सेंटर में आ गया। अब उसी ब्रश से आपको ऊपर से थोड़ा सा जो आपको मार्क्स नज़र आ रहे हैं कंसीलर के उसको ब्लेंड कर देंगे। ये देखें ये ब्लेंड हो चुका है और ये आपकी आईब्रो ऑलमोस्ट तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लें ताकि वो कंसीलर जो है थोड़ा सा टैप हो जाए। अब आप खुद आप अपना डिफरेंस देख लीजिए। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी जब आईब्रो बनी हुई थी तो कैसा लुक था और जब मेक हो गई तो कैसा लुक था।